Good morning, my friends. I'm going to teach you science, chemistry, chapter 3. A structure of matter. A structure of matter means matter कैसा होता है, किस तरह बनता है. सबसे पहले matter होता क्या है? What is matter? Matter that occupies a space and has mass is called matter. जो जगह घेरे और जिसमें मास हो उसी को हम मैटर कहते हैं. और ये मैटर्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है. ये पार्टिकल्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. दीज टीनी पार्टिकल्स मे बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल. ये टीनी पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. जाने कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है. तो मॉलिक्यूल बड़ा होता है, एटम छोटा होता है. एटम के मिलने से ही मॉलिक्यूल बनता है. एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम. ये एटम वैसा छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. सपोज करें कि कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, उसको यदि हम तोड़ते चले जाएं, छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाएं, एक समय ऐसा आएगा इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा कि उस टुकड़े को हम और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं. तो उसी टुकड़े को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. ये बात सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया, यद्यपि कि ये बात बाद में गलत साबित हुआ. जिसको उसने एटम समझा था वो मॉलिक्यूल था और ये मॉलिक्यूल को तोड़ने से, मॉलिक्यूल के टूटने से ये एटम बनता है ना. तो अब देखिए मॉलिक्यूल क्या है. तो मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड. ये कंपाउंड का भी पार्टिकल है और एलिमेंट का भी पार्टिकल है ये मॉलिक्यूल. लेकिन ये ऐसा छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. यही सबसे बड़ा डिफरेंस है मॉलिक्यूल और एटम के बीच में. ये ऐसा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. दूसरा अंतर है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से अकेला भी रह सकता है, लेकिन एटम जनरली इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जनरली ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला नहीं रहता है. कुछ ही एलिमेंट के एटम ऐसे होते हैं जो सिंगल रह लेते हैं, जैसे इनर्ट गैसेज के एटम. अदरवाइज और दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स अकेला नहीं रह पाते हैं. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल एटम से बना होता है, एटम के मिलने से बना होता है. इस लाइन से ये बात साबित है कि एटम छोटा होता है और मॉलिक्यूल बड़ा होता है. तो ये हमने जाना एटम और मॉलिक्यूल की बात. अब इसी एटम और मॉलिक्यूल के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया जाता है दो भाग में, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस. जब मैटर को सब्सटेंस का डिफिनेशन भी वही होता है तो मैटर का, यदि आपसे पूछेंगे सब्सटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास, मैटर का भी वही डिफिनेशन है. लेकिन तो फिर मैटर और सब्सटेंस में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि जब मैटर को हम क्लासिफाई कर देते हैं तब उसको हम सब्सटेंस कहते हैं. तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. यदि ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे. और यदि ऐसा सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उसको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं और ऐसे चीज़ों को मिक्सचर कहते हैं.
जैसे इसका एग्जाम्पल है एयर, हवा क्या है तो मिक्सचर है, क्यों? हवा में तरह तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 का मॉलिक्यूल भी है, O2 का भी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल है, वाटर का भी मॉलिक्यूल है एयर में, तो इस तरह से ये इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए इसको मिक्सचर करते हैं। अब ये जरा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल के वजह से दो एटम के वजह से ये दो तरह का होता है। एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो एक ही तरह के एटम, वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम का बना होता है। यदि एक तरह के एटम से बना हुआ है तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एक तरह के एटम का बना हुआ है मॉलिक्यूल तो उसको एलिमेंट कहते हैं, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से बना है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, और इस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। और इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो एक ही तरह के एटम का बना होता है, इट्स मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम। इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, ATC, ये सब जो है एलिमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का बना है उसको हम कंपाउंड कहते हैं, और इस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, और इसके मॉलिक्यूल डिसिमिलर एटम्स, डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं। ये शुरू में ही बताया, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATC, ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है ये कई तरह के एटम का बना है, इसमें CO2 यानी कार्बन का भी एटम है इसमें, और ऑक्सीजन का भी एटम है, इसीलिए कहते हैं ये डिफरेंट एटम का बना होता है। मान लिया जाए कि CO2 को तोड़ दिया जाए तो एक एटम मिला कार्बन, उस कार्बन के एटम को कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं कहेंगे, इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होता है। मॉलिक्यूल के तोड़ देने के बाद जब एटम हो जाता है तो वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, क्योंकि उसमें कंपाउंड की कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है। जबकि एलिमेंट के मॉलिक्यूल को यदि तोड़ा जाए, एलिमेंट के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए तब जो एटम मिलता है उस एटम में भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं कहलाता है, क्योंकि कंपाउंड के एटम में कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए कंपाउंड के मॉलिक्यूल को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड कैसे बनता है? तो कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो भी फिक्स्ड रेशियो बिल्कुल डिफिनिट होना चाहिए। कंपाउंड इज मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, जबकि मिक्सचर मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिला दीजिए तो वो मिक्सचर बनेगा, डेफिनेट रेशियो में मिलाइए तो ये कंपाउंड बनेगा। इसमें कंपाउंड के बनने में केमिकल रिएक्शन होता है, मिक्सचर के बनने में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। मिक्सचर के दो कंपोनेंट को अलग अलग आसानी से किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, जबकि कंपाउंड के दो कंपोनेंट को, दो कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग करने के लिए केमिकल मेथड का सहारा लेना पड़ता है, ये फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है।